मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक फॉर्मूला हमारे पास थी आई इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर। फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट पार्टिकल उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। मैं सिंपल जस्ट एग्जांपल, एक वर्टिकल एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्सिस ना एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे छोटे छोटे चार पार्टिकल्स पड़े हैं। एक ओरिजिन पे पड़ा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। पांच पार्टिकल्स है, सबका मास सेम है। मास समझो ले लेते हैं एम वन, या सबका एक ही मास है समझो एम ले लेते हैं, 1 kg या 2 kg कर लेते हैं। पांचों का मास 2 kg है इंडिविजुअल। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, ठीक है। हर एक दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो 2 meter का है। 2 meter, 2 meter, 2 meter और 2 meter, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम with respect to O, ठीक है। जो O है इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो O से करेंगे। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू, पांच पार्टिकल्स हैं तो I जुड़ आएगा एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर ऐसे एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एम फोर आर फोर स्क्वायर और एम फाइव आर फाइव स्क्वायर, ठीक है। सबके मास सेम है तो मास तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर फोर स्क्वायर प्लस आर फाइव स्क्वायर। समझ में आए बेटा बात? अब इसमें आर वन, आर वन मतलब पहले पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस, तो मुझे बता सकते हो पहले पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस कितना है? जीरो। जीरो। दूसरे पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस? टू। 2 meter। तीसरे पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस? फोर। फोर। चौथे पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस? सिक्स। और पांचवें पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस? एट। ये मास तो टू है, इसको टू ही रखेंगे। ये जीरो, ये हो जाएगा फोर, सिक्सटीन, 36, 64। सबका प्लस कर देंगे, 36 प्लस फोर 40, 64 80, 40 120 इंटू टू 240। ये हो जाएगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब ये हुआ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड किस पे करती है? एक तो मास पे और दूसरा वो डिस्टेंस जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, मतलब ये जो है टर्म इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग मिला, बात हो जाए इतनी? कोई डाउट?
अब हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग है, तो हम कॉमन रेडियस तो निकाल नहीं सकते। अगर मैं इन सारे रेडियस जो है, 2 मीटर इसका रेडियस, 4 मीटर इसका रेडियस, 6 इसका रेडियस, 8, मुझे अगर सिर्फ आर के फॉर्म में दिखाना ओनली रेडियस, तो मुझे इन सारे रेडियस का एवरेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? एवरेज। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब एक बात देख लो, यहाँ पे एक टर्म आता है, इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कैरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हम के से दिखाते हैं, जैसे कि सपोज करो एक ये बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है, और ये है इसका एक्सिस। जो पार्टिकल्स हैं यहाँ है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये बॉडी जो है इसके आसपास से घूमने की कोशिश करेगी। तो मुझे बताओ, क्या सारे पार्टिकल्स का रेडियस सेम रहेगा? नो सर, इसका रेडियस थोड़ा अलग, इसका अलग, इसका और अलग, मतलब हर एक का रेडियस क्या मिलेगा तुम्हें? अलग अलग मिलेगा। कंसीडर बॉडी हैविंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to particular axis, with respect to particular axis is, अब उसका जो एक्सिस रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वो क्या हो गया? आई इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर, क्योंकि एक का रेडियस आर वन, एक का कौन सा है आर टू, ऐसे आर एन तक रेडियस है, तो एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा बॉडी? एम एन आर स्क्वायर, ठीक है। सपोज ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम एन, उसको हम एम नाम दे देते हैं, स्मॉल एम। तो आई क्या बन जाएगा? एम कॉमन ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, डॉट 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 आर एन स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एन से डिवाइड। एन नंबर पार्टिकल्स है ना, तो मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा, एन से क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। पता चला मैंने यहाँ पे क्या किया, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड, बाकी सब एज इट इज है। तो ये जो स्मॉल एम है, ये एक पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल का, और जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मुझे बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करता है? फुल बॉडी मास, फुल बॉडी मास, क्योंकि स्मॉल एम समझो कि एक पार्टिकल का मास है 2 ग्राम, और टोटल पार्टिकल्स है 1,000, तो 1,000 × 2 ग्राम इट्स 2,000 ग्राम, तो 2,000 ग्राम किसका मास हो जाएगा? पूरी बॉडी का मास। समझो पूरी बॉडी के मास को बोलते हैं एम, कैपिटल एम, आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, डॉट 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 आर एन स्क्वायर अपॉन एम। समझ में बेटा बात? यहाँ पे जो कैपिटल एम है उसको लिखेंगे एन एम, टोटल मास। तो ये ध्यान से देखो तो तुम्हें एवरेज लग रहा है, वन टाइप ऑफ, मतलब यस सर, एवरेज कैसा होता है, जितने वैल्यू उतना एडिशन डिवाइड बाय, खाली ये एवरेज में हर एक टर्म का स्क्वायर है। हम इस टर्म को लिखते हैं
square, where k square is equal to r1 square, r2 square, dot dot dot, rn square upon n. सब ने रूट कर दे तो k क्या बन जाएगा, अंडर रूट r1 square, r2 square, dot dot dot, rn square upon. तो ये जो k है इस k को नाम क्या देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला हो जाती है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. अच्छा के का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन. अब अगर तुम ध्यान से इस चीज को थोड़ा आइडेंटिफाई करो, पूरा ध्यान इस बात पर, प्लस टू माइनस टू, प्लस थ्री माइनस वन, माइनस टू, इसका एवरेज क्या होगा इन पांच नंबर्स का. जीरो. अब मैं क्या करता हूं, इन सबका स्क्वायर कर देता हूं. टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, नाइन, वन, फोर. अब बताओ इनका एवरेज क्या होगा, फोर पॉइंट फोर. ठीक है, अब इसका रूट करो, फोर पॉइंट फोर का रूट क्या होगा, टू पॉइंट जीरो नाइन सेवन, टू पॉइंट वन. ठीक है, जीरो मतलब तो टू पॉइंट वन में एक्चुअल में हमने क्या किया, पहले माइनस मतलब सारी वैल्यू का स्क्वायर किया, फिर एवरेज किया, वापस रूट कर दिया. इसको बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू. कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर. मतलब पहले हम करते हैं वैल्यूज का स्क्वायर, फिर करते हैं मीन. एम का मतलब क्या होता है, मीन. मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे, रूट मीन स्क्वायर. पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं. देखो सबका स्क्वायर किया, फिर क्या कर दिया, मीन, सबका एवरेज कर दिया, फिर क्या कर दिया, उसका रूट कर दिया. तो जब नंबर्स में प्लस माइनस दोनों इन्वॉल्व हो, देखो इसमें प्लस भी थे माइनस भी थे, तो जब हम डायरेक्ट एवरेज कर रहे थे ना, डायरेक्ट एवरेज कर रहे थे, तो इस एवरेज का वैल्यू जीरो आ रहा था. याद है अभी हमने देखा था इसका एवरेज का वैल्यू जीरो आ रहा था. लेकिन जब इनको हमने स्क्वायर किया, फिर एवरेज किया, फिर रूट किया, तो आंसर जीरो नहीं आया. तो जब भी नंबर पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, तो उनकी जब हम एवरेज निकालते हैं ना, उस एवरेज को हम कैसे निकालते हैं, आरएमएस के मेथड से. इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर. तो यहां भी ये देखो, ये देख रहा है के, ध्यान से अगर देखो तो ये रूट है, ऊपर देख रहा है रूट, फिर अंदर डिवाइड बाय एन है. डिवाइड बाय एन का मतलब क्या होता है, मीन. और देखो सब पे स्क्वायर है, ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ रेडियस. क्या है ये, आरएमएस ऑफ रेडियस. मतलब जब रेडियस का आरएमएस होता है ना, रूट मीन स्क्वायर होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन. आई बात समझो बेटा, क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला क्या होती है, I is equal to mk square, जिसमें k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन. और रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअल क्या है, इट इज अ रूट मीन स्क्वायर ऑफ रेडियस. क्या है वो, रूट मीन स्क्वायर ऑफ रेडियस. बात समझ आई इतनी? यस सर.
क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो ये लिख लो फास्ट, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।